हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आपके लिए एक लेटेस्ट सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेके है। बहुत सारे छात्रों के मन में शंका आ रही है आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों की तरफ से कि आरआरबी की तरफ से जो ऑफिशियल डेट जारी की गई थी एग्ज़ाम को लेके, वो आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम को लेके 23 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उसको लेके आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल डेट जारी कर दी गई थी सीबीडी फर्स्ट के एग्ज़ाम को लेके। बट अभी की सिचुएशन को देख के आपको मैं जो लेटेस्ट अपडेट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो परीक्षा इससे पहले भी कोरोना संकट के चलते स्थगित की जा चुकी है। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते हुए केसों के खतरे के बीच परीक्षाओं पर संकट दिख रहा है। आप देख सकते हो ये अभी की लेटेस्ट करंट अपडेट है जो कि आपके न्यूज़ में ट्रेंड हो रही है। ये आपकी अपडेट है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शायद से पोस्टपोन हो सकता है। अभी 99% चांस है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, जो सिचुएशन अभी की सिचुएशन के हिसाब से। बाद में अगर केस कम होने लग गए तो आपका जो इनकी तरफ से ऑफिशियल डेट दे रखी है 23 फरवरी, उसमें एग्ज़ाम आपका ऑफिशियली कंडक्ट होगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम 23 फरवरी से कंडक्ट नहीं होगा। अभी हालांकि एग्ज़ाम को लेके कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आपका एग्ज़ाम 23 फरवरी को नहीं होगा, तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए बच्चे। बहुत सारी जगह आपने देखी होगी ये न्यूज़ कि 23 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे करके आप वो न्यूज़ों पे मत जाइए। अभी आरआरबी की तरफ से कोई ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट पे ये जानकारी नहीं दी गई है कि आपका 23 फरवरी से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला था वो पोस्टपोन हुआ। हालांकि आपके चांसेस है पोस्टपोन होने के एग्ज़ाम, ये कंफर्म चांसेस है, क्योंकि इसी तरीके से जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था वो भी आपका बाद में कंडक्ट कराए गए थे। आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के कुछ जो फेस रह गए थे वो बाद में कंडक्ट कराए गए थे, 6ठा और 7वां फेस, क्योंकि बीच में कोरोना के केस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसीलिए जो आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्र हैं ये सावधान रहिए। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं की गई है कि 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना नहीं होगा। अगर कोई इसकी तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।